नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल माय मिचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी के पकौड़े। यह बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अब हम टमाटर, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, जीरा और लाल मिर्च लेकर एक पेस्ट बनाते हैं। अब हम कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर जीरा डालेंगे और इसमें प्याज डालकर थोड़ा सा भून लें। इसे चलाते रहें। जब यह अच्छी तरह से भून जाए तब इसमें पीसे हुए मसालों को डाल लेते हैं। और इसे अच्छी तरह से भूनते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अब इसमें नमक डालकर अच्छी तरह से भून लें। यह जब अच्छी तरह से पक जाए तो इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल लें ताकि इसका कलर देखने में अच्छा हो। अब इन मसालों को एक प्लेट में निकाल कर रख लें। अब एक बॉल लेते हैं, उसमें उबले हुए आलू, प्याज, पुदीने के पत्ते और 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लेते हैं। मंगरेल थोड़ी सी, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हर्ब्स डाल लें, काली मिर्च पाउडर, मंगरेल, लाल मिर्च पाउडर, पिसी हुई दाल, सभी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब एक बॉल में 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेते हैं, थोड़ी सी मंगरेल, मैगी मसाला और नमक डालकर घोल लेते हैं। इसकी पतली घोल तैयार कर लें। अब हम भिंडी के ऊपरी सिरा और नीचे थोड़ा सा कट कर लेते हैं। अब इसमें बीच से चीरा लगाकर इसे रख लेते हैं। अब भुने हुए मसालों को इसमें अच्छी तरह से स्टफिंग कर लेते हैं। अब मैश किए हुए आलू में भिंडी को लपेट कर अच्छी तरह से लपेट लेते हैं। अब इसे घोल में डिप करके मक्के के पोहे में लपेट लें। अब इसे गर्म तेल में तल लें। एक एक करके सभी भिंडियों को इसी तरह से लपेटते हुए तल लेते हैं और इसे धीरे धीरे पलट लें। अब इसे निकाल लेते हैं। अब यह तैयार है भिंडी का पकौड़ा। गर्मा गर्म इसे किसी भी चटनी के साथ आप खा सकते हैं।
ऐसे ही रेसिपी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।